तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो है मैंने एक ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन करके दिखाया था। इसमें बहुत तामझाम होता है और इसे लगाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जहां पर सांचा होता है बहुत ही इजीली फिट आ जाता है, बट एक आता है एक ब्लूटूथ चिप, इसे जो लगाने में कहीं भी लगा सकते हो आप बोर्ड में और कहीं भी चिपका दो और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इजीली चला लो। इसका जो है मैं कनेक्शन 44:44 बोर्ड के साथ जो है मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं और कैसे आसानी से गाना चला सकते हैं। तो चलिए इसके जो है मैं कनेक्शन पहले समझा देता हूँ। देख ले, लिखा है GND और VCC, यानी कि यहाँ पर जो है ग्राउंड देंगे और यहाँ 5 पोर्ट। यहाँ पर जो है ये ऑडियो आउट होगा, राइट आउट, और यहाँ पर AG अर्थिंग का है या ग्राउंड, और ये लेफ्ट ऑडियो आउट होगा। तो चलिए हम लोग इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 2 वायर लूंगा और इस तरह से जो है इनके कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये VCC और 5 ग्राउंड। यहाँ पर सबसे पहले VCC का कनेक्शन कर लेंगे और कनेक्शन करेंगे ग्राउंड का। देखिए बहुत ही ध्यान से आप लोगों को कनेक्शन करना होता, वरना आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो आपका 7805 इजिली खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा ग्राउंड कौन सा है, ये ग्राउंड जो है हमारा ऑरेंज कलर वाला है और रेड वाला जो है वो VCC यानी कि 5 वोल्ट, देख सकते हो यहाँ पर। तो ग्राउंड हमारा ये है, कैपेसिटर से देख लेंगे ग्राउंड आपको, ग्राउंड ये होता है जहाँ पे ये वाला पट्टी वाला सिरा होगा वो ग्राउंड होता है। तो ये हमारा जो है कैपेसिटर पे ये वाला आता है, तो यहाँ पर ये प्रिंट आ रही है। तो हमारा ग्राउंड फिर से देख लेंगे, तो हमारा ग्राउंड जो है ये ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर वाले को यहाँ पर लगा देंगे, ऑरेंज कलर लग गया। अब जो है हमारा बचता है वो VCC यानी 5 वोल्ट हम लोगों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो है 5 वोल्ट 7805 से ले लेंगे। इसका कनेक्शन मैंने करके पिछली वीडियो में दिखाया है, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बन रखी है, मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। अब बात आती है हम लोगों को इनपुट देने की। इनपुट देने के लिए जो है मैं 2 वायर लेता हूँ इस तरह का, और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैम ने बता रखा है कि ट्रेबल के पास इस वाली लेग पे, यानी कि ट्रेबल पे व्हाइट वाली लेग है, यानी यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर द्वारा जो है कनेक्शन दिया जाता है इनपुट का किसी भी बोर्ड में। ये देखिए, ये जो है आप लोगों को इस तरह की बोर्ड आप लोगों को अभी देखने को नहीं मिली होगी, और मैं कैसे जान गया और कैसे कनेक्शन कर पाया, इसी ट्रिक से। ट्रेबल वाले इस वाले लेग से, देखिए इधर से वॉल्यूम पकड़ेंगे या इधर से पकड़ेंगे, इस वाले लेग पे जो है एक कैपेसिटर के द्वारा छोटे 104 से भी दिया जाता है, ये 200 कुछ है यहाँ पर, देखिए ये वाली, और सेम इधर भी ये वाली यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन होता है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है मेरी वीडियोस में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जो है वो बताता हूँ ताकि मेरे जो है वो सब्सक्राइबरों को इजिली कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे जैसा भी बोर्ड हो वो इजिली कनेक्शन कर पाए। यहाँ पर भी, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर के यहाँ से जो है दोनों पे इनपुट जाती है, पहले ट्रेबल पे, ठीक है, यहाँ ट्रेबल पे, बेस पे नहीं, बेस वाले पे नहीं, ट्रेबल वाले पे, मैं बार बार बता रहा हूँ। कैपेसिटर लगा है, देखिए यहाँ भी कैपेसिटर लगा है और यहाँ भी कैपेसिटर लगा, ये, और यहाँ से जो है इनपुट होता है किसी भी बोर्ड में, चाहे जो भी बेस टेबल का बोर्ड हो। चलिए यहाँ पर बात हो गई इनकी। अब जो है यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ऑडियो एक राइट का लेंगे, तो यहाँ पर एक ऑडियो राइट ले लेंगे और कनेक्शन कर देंगे। देखिए ऑडियो राइट का कनेक्शन हो गया। अब ऑडियो लेफ्ट का कनेक्शन करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड होता है। अगर कनेक्शन गलत करेंगे तो बेस ट्रेबल आपका काम करना छोड़ देगा या फिर जल सकता है। अब जो है इसे कनेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सॉरी, सबसे पहले अब जो है मैं इसमें 12 वोल्ट का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं 12 वोल्ट प्रॉपर यूज कर रहा हूँ एक ट्रांसफार्मर से, वो ट्रांसफार्मर दूर रखी है इसलिए दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे जो है वो कनेक्शन करना होता है जहां पर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कनेक्शन हो गया हमारा, और यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत हमिंग भी मिली होगी आप लोगों को। अब जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ब्लूटूथ की साउंड में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लूटूथ की साउंड जो है इसमें नहीं आई थी, तो इसे जो है मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ, देखता हूँ शायद आवाज ना हो, इस वजह से जो है आपस में फिर से शॉर्ट करता हूँ। देखिए ब्लूटूथ की जो है वो साउंड आ चुकी है। अब जो है मैं इसे कनेक्ट करके देखता हूँ क्या ये कनेक्ट हो रहा है और चल रहा है कि नहीं। तो ये कनेक्टेड हो चुका है यहाँ पर, देखिए। अब जो है मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा, तो देख सकते हो यहाँ जो है सॉन्ग प्ले हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन साउंड आती है इस तरह से जो है कनेक्शन करने पे आप लोगों को।
और इजिली कनेक्शन कर पाएंगे और कोई भी तामझाम नहीं है। बहुत आसानी तरीके से देखिए बेस स्टेबल भी काम करेगा। अभी मैं कराता हूँ, देखिए देखिए बेस है ये, बेस काम कर रहा है। अब जो है मैं ट्रेबल का दिखाता हूँ, देखिए बेस स्टेबल भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप कनेक्शन करके बहुत ही इजीली आप जो है कनेक्शन कर पाएंगे और एक एम्पलीफायर बना सकते हैं, या फिर अपने घर में कनेक्शन करके आप एक बेहतरीन सेटअप सेट कर सकते हैं ताया हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके जाना और जो है लाइक भी जरूर कर दिया करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पे।